हेलो गाइस, आज हम करेंगे इस होल्डर का रिव्यू। तो इस होल्डर को मैंने क्यों लाया, क्योंकि कुछ फोन्स में क्या होता है कि जो मेन कैमरा होता है ये नीचे पे होता है, तो इसीलिए आपका जो नॉर्मल लेंस क्लिप्स होते हैं वो वहाँ पे लगते नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर कैमरा है तो इसको अगर हम ये वाला लेंस क्लिप को लगाएंगे तो ये यहाँ तक पहुँचेगा नहीं, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम होता है जब आप पोको X2 में कोई लेंस यूज करना चाहते हैं। तो आप साइड से भी अगर लेना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका जो कैमरा है थोड़ा सा ज़्यादा दूर है साइड से और टॉप से, तो इस लेंस आपका लेंस का क्लिप आपका काम नहीं करेगा। और कुछ फोन्स में क्या होता है कि ये जो फ़ोन का विड्थ है बहुत मोटा होता है, तो आपका इस टाइप का जो क्लिप आता है ये भी क्लिप आपका सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये आपका इसके अंदर नहीं जा रहा है क्योंकि आपका कैमरा बम्प ज़्यादा है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब क्लिप आप यूज नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आप कोई लेंस यूज नहीं कर पाएंगे अपना फ़ोन में। लेकिन उसका एक सॉल्यूशन मैंने ढूंढा है, ये है एक क्लैंप जो आपको मिलता है अमेजन पे, आपको सर्च करना पड़ेगा या फिर होगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसका। तो इसको बहुत ईजी है, इसमें एक फ़ोन होल्डर है और यहाँ पर एक लेंस होल्डर है। फ़ोन होल्डर लगाने के लिए बहुत ईजी है, इसको बस ऐसे करके ड्रैग करके इसमें लगा लीजिए, हो गया। और यहाँ पे एक स्क्रू है, जो स्क्रू आपको हेल्प करेगा आपका लेंस को अटैच करने के लिए यहाँ पे, लेकिन लेंस यहाँ पे अटैच नहीं होगा। तो इसको क्या करेंगे, इसका जो ये टॉप वाला पार्ट है इसको हटा देंगे, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, अगर ये लेंस का मेन कैमरा है, ये अगर कैमरा का मेन कैमरा यहाँ पे है तो इसको आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे एग्जैक्टली आप इसका मिडिल में इसका जो होल को सेट करके इसका जो ये है इसको टाइट कर दीजिए, ठीक है। तो ये अपना हो गया होल्डर सेट। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम चलेंगे और लेंस इसमें क्लिप करेंगे। तो ये है मेरा एपेक्सल का 60x जूम लेंस, अभी मेरा सेटअप हो गया है, लेंस का अभी कनेक्ट करना बाकी है। तो हम क्या करेंगे, इसका लेंस को इसमें कनेक्ट करने के लिए इसको ऊपर रोटेट करवाएंगे, ठीक है। और इसको रोटेट करते हुए हम इसको कनेक्ट कर लेंगे और ये टाइट हो गया, ठीक है। तो ये अगर ऐसे टाइट होगा तो फ़ोन इस टाइप का रह रहा है, तो हमको थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा लेंस की तरफ से। तो यहाँ पे अपना लेंस को थोड़ा सा ढीला कर लेते हैं, इसको रोटेट कर लेते हैं ताकि अपना फ़ोन जो है ये अभी वर्टिकल हो गया, ठीक है। तो आराम से अभी आप फ़ोन शूट कर सकते हैं, देखिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका लेंस और कैमरा के बीच में कोई गैप नहीं है। ये है परफेक्ट फोन होल्डिंग मैकेनिज्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।